time for a study today, future tense. Because previous lecture की वीडियो में ऑलरेडी मैं वॉइस में आप लोग को प्रेजेंट परफेक्ट मीन्स एमएनएस प्रेजेंट टेंस का एंड रोल और पास्ट टेंस का उस चीज मैंने आपको पूरा रोल एक्सप्लेन कर चुका हूँ, उस चीज यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूँ। आई होप आप सभी लोग देख भी रहे होंगे, ठीक है। और आज की लेक्चर वीडियो में आप लोग को फ्यूचर टेंस के बारे में बताऊंगा, आप फ्यूचर टेंस कैसे कन्वर्ट करते हो, इस बार आपको बता रहेगा। फ्यूचर टेंस की जो हेल्पिंग नाउन रहती है, तो फ्यूचर सिंपल टेंस का विल और शैल होता है, फ्यूचर कंटीन्यूअस का विल भी शैल भी होती है, और फ्यूचर परफेक्ट का विल हैव और शैल हैव होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का कि आपका विल हैव भी और शैल भी होता है। कुछ चीजें मैं आपको जो एक्टिव पैसिव का आपका रूल है कुछ चीजें वापस एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ, देख लीजिए। जो आपका एक्टिव पैसिव आप कन्वर्ट करते हो, फ्यूचर सिंपल टेंस का जब पैसिव बनाते हो फ्यूचर कंटीन्यूअस हो जाता है, जब फ्यूचर कंटीन्यूअस बनेगा नो चेंज होता है, बट चेंज होगा आपका सब्जेक्ट अनुसार, ओके। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में हो जाता है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का नो चेंज होता है, बट एक चीज चेंज होगा आपका बी सब्जेक्ट के अनुसार, ओके। कंटिन्यू आपका फ्यूचर टेंस है क्या, फ्यूचर टेंस। तो इसमें टॉपिक फर्स्ट में आपका क्या, फ्यूचर इंडिफिनिट बोलो या फ्यूचर सिंपल से एज अ बी, ओके। फ्यूचर इंडिफिनाइट फ्यूचर इंडिफिनाइट टेंस में सपोज एग्जांपल आप क्या ले सकते हो, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, ओके। सपोज ही विल, व्हाट ही विल गो टू मुंबई, यू नो एक्चुअली जो आपकी बिगिनिंग की रहती है उसे आप क्या कहते हो, सब्जेक्ट। दिस इज योर हेल्पिंग वर्ब, दिस इज योर वर्ब, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, ओके। आपका ऑब्जेक्ट आपको फॉर्मूला वापस मैं बता के देता हूं, ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट हो जाता है आपका, प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस डिवाइड बाई प्लस सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट। एक्चुअली इसके आपका रूल है, बेनर में क्या एक्टिव टू पैसिव वर्ब, बेनर जैसे यू आर कन्वर्टिंग दैट लाइन, ये चीज का आपको फॉलो करना पड़ेगा, वो चीज आपको दिमाग फिट भी करना पड़ेगा, प्लस और आपको हेल्पिंग वाली चाहिए, जब आपको हेल्पिंग नहीं आएगी तो आप एक्टिव पैसिव वर्ब आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, प्लस वर्ब आल्सो आपको बताना चाहिए, ओके। टू कंटिन्यू, ये आपका सब्जेक्ट हो जाता है, विल आपके हेल्प में हो जाती है, गो वर्ब हो जाता है टू मुंबई, टू मुंबई जस्ट लाइक सी योर ऑब्जेक्ट, जो राइट हैंड मुंबई आपको रूल पता रहेगा। अगर आपका फ्यूचर सिंपल है मींस ओनली विल साल है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस हम कन्वर्ट करोगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस का हेल्प में होते हैं विल बी और साल बी, तो सिंगल साल में आप विल बी का यूज करोगे, फिर साल में आप साल बी का, साल बी का यूज करोगे, ओके। मुंबई, मुंबई की एक ही सिटी का नाम है, स्टेट का सिटी का, मुंबई विल बी वो दैट फ्रॉम गॉन वन बाय ई का यू, ई का आपका क्या हो जाता है, गेम हो जाता है, देन यू कैन राइट ऑब्जेक्ट, आपका फॉर्म है क्या, ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब थर्ड फॉर्म सॉरी बाय एंड ई का यू, तो मुंबई विल बी गॉन बाय, मुंबई विल बी गॉन बाय हिम, ओके। क्योंकि आपका जो मुंबई है, सॉरी मुंबई मैंने स्पेलिंग कर रहा हूं, क्या मुंबई, तो आपका जो मुंबई है ऑब्जेक्ट हो जाता है मुंबई, देन टू लेटर आपका हेल्पिंग वर्ब विल का, विल भी हो गया जो सिटी सॉरी स्टेट एक ही है, देन गो का थर्ड फॉर्म गॉन, इसके बाद डी वाई बाय का यूज करोगे आप, और ही का हिम होता है, ओके। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, ठीक है। आपका एग्जाम्पल ले लो, दिए Sai win the match. They shall win the match. To be this process will just have to be continued. First one idea. The match. Match actually ek hi, isliye aap will ka use karoge. The match will be. और जो आपका थर्ड फॉर्म गॉन,
The match will be won by them. The match will be won by them. They का जो आपका them होता है, ऐसा क्यों हमने he का him लिया था, उसके तरह है, ठीक है? Then to be continued. Third examples. Active voice and passive voice. She will sing a song. She will sing a song. तो अब सेम प्रोसेस उसकी तरीके होगी। आपका रूल क्या बोलता है? ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट। यू देखो आप ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट जो लास्ट में ये सॉन्ग है इसी आपका ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट। ओके ये आपको पता रहेगा आपका वर्ब है इसे आपका रहेगा विल ये हेल्पिंग वर्ब है और सी आपका सब्जेक्ट। सी विल सिंग ए सॉन्ग तो आप क्या करें उसका ये सॉन्ग और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट आपका वेन यू आर मेकिंग अ टू टू पैस टू आई दैट आई एम गिविंग यू तो आपका क्या हो जाता है सॉन्ग आप सॉन्ग लिखो देन विल ये इसलिए विल भी टाइप करोगे सिंगल थर्ड फॉर्म सॉन्ग होता है ये सॉन्ग विल बी sung sung by और सी का सी मतलब लड़की है सी का हर हो जाता है आपका ठीक है सी का क्या हो जाएगा हर हो जाएगा देखो आप लोगों को मैंने इसके बाद क्यों बता रहा क्योंकि वो चीज आपको अच्छे समझ में आएगा चाहिए तो मैं चीज आपको एक ही दो लेक्चर के अंदर कम्प्लीट कर सकता हूँ बट एक वो चीज आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा इसलिए मैं एक एक चीज जो स्टेप आपको इससे पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट साथ में एक ही स्टेप आपको समझा के दे रहा हूँ एक ही टेंस का डाल के दे रहा हूँ बिकॉज फ्यूचर डिफरेंट रहेगा फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस रहेगा फिर फ्यूचर परफेक्ट रहेगा जिससे कि आपको वो चीज समझने में आसानी हो जाएगा उस चीज को आप जो उसका कॉन्सेप्ट है अच्छे से समझ सकूँ एक्चुअली उसकी वजह से नहीं तो एक्चुअली एक ही दो लेक्चर कम्प्लीट हो जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा थोड़ा बहुत ओके इतना आपको समझ में आ गया रहेगा अच्छे से आप स्क्रीनशॉट भी एक्चुअली उसका ले सकते हो ओके फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में आपका क्या रहेगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस प्लस हेल्पिंग प्लस एक्चुअल के अंदर बी आई थी बी का यूज कर सकते हो यूज कर भी सकते हो आप हाँ चाहिए तो आप इसमें जो मैंने रूल भी लिखा के दिया आपको बींग बरोबर चाहिए तो आप बींग का भी यूज कर सकते हो कॉन्टिन्यूअस में एक्चुअली ओके बस सब्जेक्ट के अनुसार इसमें आपको पता है नो चेंज होता है लेकिन चाहिए तो आप बी आई या बी बींग का यूज कर सकते ओके एग्जाम्पल्स She will be go to the America. She will be go to the America. Remember, Dr. Ali goes to the America. America will be being. Gone by her. ये चीज भी आपका रहेगी ठीक है अरे देखो आप सी विल बी गो टू दी अमेरिका आप देखो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट देन टू लेटर अर्थ प्लस बी आई एनजी बींग का यूज कर सकते हो आप विल बी बींग कंटिन्यूअस है ना एक्चुअल क्वेश्चन नहीं इसको तो भी चलता है लेकिन अब इसको दिखाओ बिकॉज एक्चुअली मैं आप लोग रूल भी बता के देना चेंज होता है The America will be being gone by her. अगर जो आप ऐसे कोई भी रहेगा मतलब ये भी सीख रहेगा तो आपको रॉन्ग नहीं हो सकता ओके अमेरिका विल बी बींग गॉन बाय हर तो वैसे आप बस जो है सी फिर ले लो दे सर बी अगर आपका क्या कंटिन्यूअस तो आईएनजी का यूज करोगे इसकी वर्ग के साथ में कंटिन्यूअस कभी वर्ग के साथ में आईएनजी का यूज होता है ये चीज आप ध्यान रखना हाँ आएगा दे शैल बी राइटिंग लेटर
राइटिंग अ लेटर, नॉट अ लेटर। इसके बाद आप क्या करोगे, अ लेटर, लेटर जस्ट लाइक ओनली वन चेंज दे यूर आइडिया विल बी, बिकॉज सब्जेक्ट अनुसार आपका चेंज होता है, सब्जेक्ट के हिसाब से लेटर। इसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब क्या बोलता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद बी, इसमें आपका हेल्पिंग वर्ब बी 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 ई भी आएगा हाँ, इसमें ये लिखो बी प्लस बिल बी बिंग, बिल बी बिंग रिटेन बाय देम, रिटेन बाय दिस आई बी राइटिंग अ लेटर, लेटर बिल बी बिंग रिटेन बाय देम। बहुत जगह देखो आप टेस्ट नोटबुक कोई भी चीज अगर उठा के आप देख रहे हो तो उसके अंदर बींग का यूज हुआ रहेगा, बहुत लोग बिल का यूज नहीं करते, बस बिल बी का ही यूज करते हैं, कोई नो चेंज होता है, मैंने वो चीज आपको बता के दिया, अब घबराने का नहीं, कोई टेंशन मत लो, बिल बी का तभी राइट है, बिंग का यूज करो तभी राइट रहेगा, ओके सॉरी। सिंगिंग ए सॉन्ग जिसका भी आप कैसा क्या करोगे, सॉन्ग विल बी सॉन्ग जो आपका सिमिलर है जिसमें सॉन्ग विल बी बींग, सॉन्ग विल बी बींग विल बी बी एन जी बींग, और इसमें आपका वर्ड क्या है सिंगिंग, कंटिन्यूअस में कॉन्टिन्यूस में ऑलवेज टाइम, कभी भी आपको चीज कंटिन्यूस कर रहे हो उसमें वर्ड के साथ आपका आई एन जी का यूज होगा, सॉन्ग विल बी बी बाय इका ही, इका क्या हो जाएगा हिम, आपको पता है ये सॉन्ग आपका ऑब्जेक्ट होता है, ये आपका वर्ब होता है, ये चीज आपका हेल्पिंग वर्ब होती है, ये बिगिनिंग का रहता है, चीज आपका सब्जेक्ट होता है, ऑलवेज टाइम यूज, इसमें तो जस्ट बी केयरफुल एंड जस्ट कीप फॉर इट्स फॉर ऑन फॉर योर माइंड, अभी आप क्या देखोगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में एक्चुअली वो चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस मतलब जो आपका हेल्पिंग रहता है तो थर्ड फॉर्म नहीं रहता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लगभग चांस नहीं रहता, नहीं तो जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जब आप कन्वर्ट कर रहे हैं उसमें आपका जो प्रिपरेशन कन्वर्ट कर रहे हो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो वर्ब रहेगा आपका थर्ड फॉर्म रहता है, प्रेजेंट परफेक्ट में भी पास्ट परफेक्ट में भी और थर्ड फॉर्म रहता है, अगर नहीं जाए तो चीज आपको करेक्शन करना पड़ता है। विल हैव वन द मैच और विन द मैच, दे विल हैव वन द मैच, तो आपको इसका रूल पता रहेगा, जब फ्यूचर परफेक्ट में अगर एक्टिव वाइज आपका दिया है, जब एक्टिव आप उसको कन्वर्ट कर रहे हो किस में पैसिव वाइज में, तो आपका क्या रहेगा रूल, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस ग्राउंड हो जाता है आपका, इसमें हो जाता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर, तो क्या लिखोगे, द मैच, मैच जो आपका सिंगुलर है, द मैच विल हैव बीन, विल हैव बीन वन, द मैच विल हैव बीन वन बाय देम, द मैच क्या लिखोगे आप, ऑब्जेक्ट आपका क्या बोलता है, ऑब्जेक्ट क्या आपका, द मैच व्हाट, द मैच देन टू लेटर विल है, तो आपका विल है द मैच एक्चुअली आपका सिमिलर है एक्चुअली उसके साथ में आप द मैच लगाओगे देन टू लेटर, इसके बाद विल है, विल है के साथ में क्योंकि आपका जो द मैच है सिमिलर है इसलिए विल है लगा रहे, लेकिन आपका रूल क्या बोलता है, जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में रहेगा तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग क्या होता है, विल हैव बीन और शैल हैव बीन, ओके सिमिलर के साथ एक्चुअली आप विल हैव बीन का यूज करोगे, फ्यूचर के साथ में एक्चुअली आप Shall have been का यूज करोगे, द मैच सिंगर है किसकी वजह से, विल हैव बीन बोर्न, द मैच विल हैव बीन बोर्न बाय देम, व्हाट देखा देम होता है, देखा देम क्योंकि ये चीज आपका सब्जेक्ट है, ये चीज आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये चीज आपका वर्ब है, ये चीज आपका क्या है वर्ब,
इसका दी मैच जो है यक्ष का होता है ऑब्जेक्ट हो जाता है। ओके दी विल हैव बी वन लेटर्स। ओके स्टार्टिंग में जो आपका सब्जेक्ट कुछ चीज आपको पता है जो मैं स्टार्टिंग आप लोगों को बताते आ रहा हूं। ठीक है सेकंड वाला यू शैल हैव राइट दी स्टोरी बुक। देखो फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा, जहां बिंग लगाए मैं उधर आप बिंग का यूज कर दोगे। क्या करोगे बी डबल एन बिंग का यूज कर दोगे। ये चीज आप बी कैरफुल रहो ना। यू शैल हैव राइट दी स्टोरी बुक। क्या लिखोगे दी स्टोरी व्हाट दी स्टोरी बुक। स्टोरी बुक आपका क्या है सिंगुलर प्लूरल। सिंगुलर प्लूरल आपका सिंगुलर है सिंगल केस बिकॉज दिस स्टोरी इज बुक नहीं है दिस स्टोरी बुक। अरे स्टोरी आ जाता तो आपका प्लूरल हो जाता था। दिस स्टोरी बुक तो आप क्या यूज करोगे विल हैव बीन। विल हैव बीन राइट थर्ड फॉर्म रिटेन। राइट थर्ड फॉर्म क्या होता है ठीक है नीचे लिख देता हूं मैं रिटेन। दिस स्टोरी बुक विल हैव बीन रिटेन बाय बी बाय 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 का यू होता है आपका। बाय का क्या होता है यू क्योंकि आपका जो मैंने आप लोगों को रूल बता के दिया रूल वाइज फर्स्ट सेकंड से ली का हिम सी का हर दे का देम बी का अस इट का डी यू का यू एक्चुअली उसके तरह। ओके अभी आप थर्ड का देखोगे कौन सा देखोगे थर्ड का एग्जाम्पल एक्टिव वाइज और बाई टू वाइज आपका एग्जाम्पल। और आप लोग किसी कुछ जाओ रहेगा ना कमेंट करके आप एग्जाम्पल कमेंट करके पूछ भी सकते हो। ठीक है मैं आप लोगों को बता के दूंगा। इसका एग्जाम्पल आप क्या लेंगे सी विल हैव यूके। सी विल हैव गॉन टू यूके। तो आप इसका प्रैक्टिस पैसे कैसे कन्वर्ट करोगे यू कन्वर्टेड यूके यूके आप लिखो यूके आपका 21 सिटी का नाम है एक्चुअली इसकी वजह से क्या करोगे आप यू विल हैव बीन गॉन बाय बी वाई बाय एंड यूके विल हैव been gone be by by then her क्या जाएगा आपका UK will have been gone by her। क्या जाएगा आपका UK will have been gone by her because object and subject आपका हो गया। देखिए UK जो आपका object है the UK भी लिख सकते हो चलेगा UK। इसको आपका जो rule है choose किया था मैंने कमेंट किया future continuous का sorry future perfect का future perfect कॉन्टिन्यूस के अंदर ओके विल हैव बीन गॉन बाय हर जो आपको कॉन्टिन्यूस मैंने बता के दिया है उसमें कुछ चेंजअप नहीं होता है। लेकिन तभी मैं ऑलरेडी आपको बता रहा कभी आपकी जाकर कुछ सेंटेंस आपको आ जाते हैं क्योंकि कंफ्यूज हो जाता है बता के नहीं दिया इसकी वजह से मैं आप लोगों को फ्यूचर कंटिन्यूस को ऑलरेडी बता के दिया हुआ। ठीक है इंटरव्यू भी कंटिन्यू क्योंकि उसमें चेंजअप नहीं होता फ्यूचर कंटिन्यूस में बस आपका सभी का चेंजअप होता है कि बहुत सारे बुक में आप किधर बुक में ढूंढोगे ताकि उसमें दिया भी रहता है बिंग का यूज किया जाता है उसकी वजह से मैं आपको ऑलरेडी बता के दे रहा हूँ। ठीक है फ्यूचर परफेक्ट का हो गया बट चेंज होगा थर्ड बाई चांस सब्जेक्ट के अनुसार जिसका एक्टिव विश्वास नहीं बनता। ओके तो ये वन या मोर एग्जांपल मैं आपको लोगों को समझने के बता के दे देता हूँ। ठीक है क्या ले लो सी विल हैव बीन गोइंग टू मुंबई। ठीक है कैसा भी कोई सेंटेंस आ गया आपको चीज ध्यान रखना पड़ेगा बस आपका रूल क्या है आपको हेल्प में पता होना चाहिए जब आपका बीबी एक्टिव टू पैसे कन्वर्ट कर रहे हो ड्यूरिंग टू डेट टाइम ओनली तो वो चीज आपको क्या करना पड़ेगा हेल्प में याद रखना पड़ेगा वर्ड याद रखना पड़ेगा जो चीज मैं ऑलरेडी आपको फॉर्मूला बता के दिया वो चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना।
ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट हो जाता है प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग के बाद जो आपका रूल जिसकी हेल्प से बीइंग या बीन, देन टू लेटर वर्ब थर्ड फॉर्म, देन टू लेटर बी वाई बाई, देन टू लेटर सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का जब एक्टिव को पैसे बना रहे तो उसमें रूल में आप लोगों को क्या ऑलरेडी जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर आप वाइज का है जो ऑलरेडी मैं यूट्यूब पर जो अपलोड कर चुका हूँ वो आप लोग देख लिये होंगे। अगर इसने नहीं देखा वो जाकर उधर देख सकते हो। इससे क्या हो जाएगा आपका बेसिक अगर अच्छा हो जाएगा, बेसिक अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपको चीज बहुत इजी लर्निंग लगेगा क्योंकि चुटकियों आप कर सकते हो चीज। बट इट्स वेरी वेरी इजी ओके, क्योंकि आपको जब बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो ये चीज अच्छे समझ नहीं आएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट बोले तो चीज का आपका हेल्पिंग भी पता होना चाहिए और वर्क का थर्ड फॉर्म भी पता होना चाहिए, वो चीज भी आप रिपीट कर लो ओके। मुंबई ले सकते हो, मुंबई सिर्फ कुछ चेंजअप नहीं होता, बिल है बिल गोन, मुंबई बिल है बिन गोन बाय हर ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूअस सॉरी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई भी चेंज नहीं होता, बस सब्जेक्ट आंसर बस चेंज कर दोगे आप। अगर प्यूरल में प्यूरल में साथ में साल हर दिन का एक्टिव वैसा यूज करोगे नहीं सब कुछ एक्टिव वैसा ही है आपका ओके। इसमें मैंने क्या लिखा, मुंबई विल हैव बीन गॉन बाय देम, इसमें आपको दे साल हैव बीन लिविंग इन किसी को डाउट रहेगा आप कमेंट करके पूछ भी सकते हो ओके।